प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 के लिए केमिस्ट्री की एक इम्पॉर्टेंट रिएक्शन को यहाँ पर सीखेंगे। आप सभी के सामने है कि परकिन अभिक्रिया क्या होती है और इसका समीकरण किस प्रकार से होता है, बताइए। ठीक है, तो इस प्रश्न को हम लोग यहाँ पर सॉल्व करेंगे। यदि आप लोग क्लास 12 में हैं और इसी प्रकार की और भी रिएक्शंस को सीखना चाहते हैं, तो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ठीक है, आपको केमिस्ट्री क्लास 12 के लिए प्लेलिस्ट मिल जाएगा और वहाँ से आप लोग ढेर सारे वीडियोस को देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर हम लोग शुरुआत करेंगे परकिन अभिक्रिया के बारे में। तो यहाँ पर आप देखिएगा, ये आपके सामने आ सकती है, बेंजल्डिहाइड से सिनेमिक अम्ल कैसे प्राप्त होगा, तो भी आपको यही काम करना होगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर नोट कर लेते हैं क्या नाम है परकिन अभिक्रिया। ठीक है, परकिन अभिक्रिया ये आपकी है। ठीक है, अब देखिएगा, इसी को हम लोग और क्या कहते हैं, आपका और लिखा था, क्या लिखा था कि बेंजल डिहाइड से सिनेमिक अम्ल, तो आप समझ लीजिएगा आप लोग। ठीक है, आपको बेंजल डिहाइड को लेना है, बेंजीन रिंग बनाएगा इस तरीके से आप लोग यहाँ पर। ठीक है, और इसमें लगाएगा CHO। ये क्या है, ये आपका है बेंजल डिहाइड, और बेंजल डिहाइड की क्रिया आपको करानी है CH3CO का होल ट्वाइस और O। इसका नाम क्या हो जाएगा, इसे हम लोग कहेंगे एसीटिक एसीटिक एन हाइड्राइड। क्या कहेंगे, एसिटिक एन हाइड्राइड। ठीक है, जब आप इसकी रिएक्शन कराएंगे इससे, ठीक है, और CH3CONa की उपस्थिति में इसका जल अपघटन होगा, ठीक है, तो क्या बनेगा, तो आप समझिए यहाँ पर, तो आप यहाँ पर नोट करेंगे CH CHCOOH और प्लस CH3COOH, ये आपका बन जाएगा और इसे आप लोग कहेंगे सिनेमिक अम्ल। ठीक है, तो इस तरीके से ये आपकी रिएक्शन बनेगी। यदि आप इसको चाहें तो इसके लिए थ्योरी भी आप लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम आपको यहाँ पर नहीं होने वाली है। ठीक है, तो देख लीजिएगा आप लोग, बेंजल डिहाइड से सिनेमिक अम्ल भी प्राप्त हो चुका है, साथ में आपकी परकिन अभिक्रिया भी कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है, चलिए।